जनपद में 3 मार्च को मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान स्थल के लिए रवाना हुई, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पोलिंग पार्टियां बसों से रवाना किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं और ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। सीओ कैंट, सीओ कोतवाली और अन्य सीओ मौजूद रहकर व्यवस्था को देख रहे हैं और सभी थानों पर निर्देशित किया गया है कि अपने अपने बूथों पर जाकर चेक करें। परेड ग्राउंड पर भी बसें खड़ी हैं, वहां से भी जो बसें आ रही हैं उनको रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आपकी गाड़ी गाड़ी से नहीं चल पाएगी बाहर, तो बाद में इंस्पेक्टर से हम बात करवा देते हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है? हाँ, पोलिंग पार्टियां यूनिवर्सिटी से हम लोग रवाना कर रहे हैं आज, और इसके लिए जो है संबंधित ड्यूटियां लगाई गई हैं, उसमें अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं हम लोगों द्वारा, और ट्रैफिक के लिए भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सीओ कैंट, सीओ कोतवाली ये स्वयं मौजूद रह करके इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। विधानसभा बार पोलिंग पार्टियां रवाना कराई जाएंगी और उसके बाद सभी थानों को ये निर्देशित किया जाएगा कि उनको चेक भी करें कि वो अपने अपने बूथ तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची। सर, परेड ग्राउंड पर भी वाहन खड़े हैं? हाँ, परेड ग्राउंड पे ही वाहन खड़े हैं और अलग अलग जो बसें आ रही हैं उन सबको रवाना किया जा रहा है। जैसे जैसे पोलिंग पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं उनको चेक करा जा रहा है और रवाना किया जा रहा है।